नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th of April 2022। आशा करते हैं आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। ये रहा, हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय द इंडियन रेसलर्स एट 35th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन उलान बातर मंगोलिया। ठीक है, तो यहाँ पर मंगोलिया में हुए चैंपियनशिप में इंडियन रेसलर्स ने 35th एडिशन में कितने मेडल्स जीते हैं, ये बात आपको यहाँ पर दोस्तों बतानी है। और ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास 12, 14, 17 और 19। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 17। तो 30 मेंबर की इंडियन कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेट किया था 35th एडिशन में। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों 17 मेडल जीते गए हैं, जिसमें से एक गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट रवि कुमार दहियास द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी, राइट। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जापान ने यहाँ पर 21 मेडल जीते हैं। ईरान की अगर बात की जाए तो 15 मेडल के साथ यहाँ पर उन्होंने खत्म किया, और कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान में यहाँ पर दोस्तों 21 मेडल जीते हैं और इंडिया ने 17। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कैंड्रल एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फॉर डिजिटल एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यहाँ पर क्रिंडाल के साथ टाई अप किया है फॉर द नेक्स्ट 5 years फॉर द डिजिटल एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, पूरी बात कर लेते हैं। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद न्यूयॉर्क यूएस बेस्ड क्रिंडाल एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। The bank will partner with Kyndryl to drive its technology transformation program, improve operational efficiency and increase digital banking adoption. Basically, आपको पता है दोस्तों कि हमारे इंडिया जो है वो डिजिटलाइज होने की तरफ जा रहा है, तो जितने भी बैंक है वो अपने सारे सिस्टम को क्या करते हैं, डिजिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब इंडिया में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है और अपग्रेडेड नहीं है, और कहीं ना कहीं है भी, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी टाइप किया है क्रिंडाल के साथ फॉर द नेक्स्ट 5 years। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जाए तो उसका हेडक्वार्टर दोस्तों हो जाता है नवी मुंबई में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर MD CEO का नाम इसका हो जाएगा भास्कर बाबू रामचंद्रन। ठीक है, भास्कर बाबू रामचंद्रन। और दोस्तों यहाँ पर जो टैगलाइन हो जाएगी इस बैंक की वो हो जाएगी अ बैंक ऑफ स्माइल्स। ठीक है, अ बैंक ऑफ स्माइल्स, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये सारे की पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं दोस्तों, ताकि आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में और डेप्थ में जाकर इस चीज को समझ सको। वैसे तो आपके डेप्थ में इतना क्वेश्चन नहीं बनता है फाइनेंस अवेयरनेस को लेकर, सिर्फ मोटा मोटा आप अगर सब हेडिंग भी याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जेम्स ड्रिंगवेल रामबाई पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। नाउ ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी मेघालय। यहाँ पर ही ऑर्बिचरी है दोस्तों, फॉर्मर सीएम है मेघालय के, जिनका देहांत हो गया है। ठीक है, डिमाइस है, तो डिमाइस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आप लोग को हमेशा बताया है। तो मेघालय गवर्नमेंट है डिक्लेयर 3 days स्टेट मोर्निंग फ्रॉम April 21st to 23 एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज सैड एंड सडन डिमाइस। ही हैज एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन 1982 एंड कंटेस्टेड इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द जिरहांग कंस्टिट्यूएंसी सक्सेसफुली, राइट। तो यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है दोस्तों, ये बात आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड टू पावर SBI कार्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी कंपनी ने SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के साथ टाई अप किया है ताकि वो SBI कार्ड के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आगे बढ़ने से पहले SBI कार्ड CEO का नाम मैं आपको बता दूं तो रामा
मोहन राव अमारा, ठीक है, थोड़ा सा इनका नाम कंफ्यूजिंग है, पूरा मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे, रामा मोहन राव अमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो गुरुग्राम, जो कि गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम गुरुग्राम हो गया है। इसको फाउंड किया गया था अक्टूबर 1998, ठीक है, पूरी बात यहाँ पर करेंगे। TCS एक्सपेंडेड स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप विद SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड टू पावर SBI कार्ड्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। TCS हैज हेल्प्ड द SBI कार्ड्स टू ट्रांसफॉर्म इट्स कोर कार्ड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म एंड डिजिटाइज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्रोसेस, राइट। बेसिकली यहाँ पर TCS क्या करेगा, SBI कार्ड्स की हेल्प करेगा ताकि वो फर्दर एक्सपेंड कर सके। विद द एक्सपेंशन इन पार्टनरशिप इट विल फर्दर डिजिटलाइज द ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस इनेबलिंग अ फास्टर टर्न अराउंड एंड फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस विद ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। TCS will continue to digitize and change online onboarding process in order to provide a faster and more frictional experience for customers, resulting in higher customer satisfaction, right? तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा customers की satisfaction होगी, उतना ही ज़्यादा इनके लिए क्या रहेगा, यहाँ पर benefit रहेगा। Next चलते हैं question number 5 के ऊपर। Which payment bank has partnered with IndusInd Bank to offer fixed deposit facilities to customers? तो यहाँ पर दोस्तों कौन से payment bank ने tie up किया है IndusInd Bank के साथ एवरी फैसिलिटी के लिए। तो IndusInd Bank की बात करें तो IndusInd Bank 1994 में फाउंड किया गया था, इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है, और साथ में दोस्तों MD CEO हो जाएंगे सुमंत कटपालिया, ठीक है, सुमंत कटपालिया। और यहाँ पर टैगलाइन हो जाएगी IndusInd Bank की, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप किया है IndusInd Bank के साथ फॉर द ऑफर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटीज विद कस्टमर। अ कस्टमर कैन ओपन एन FD ऑफ ₹500 अप टू 1,90,000 ऑन एन एयरटेल थैंक्स ऐप। विद दिस पार्टनरशिप कस्टमर ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रेट 6.5% पर एनएम एंड सीनियर सिटीजन ऑफ एडिशनल 0.5% विद ऑल द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। कस्टमर्स ऑफ एयरटेल पेमेंट बैंक विल बी एबल टू बुक सेवरल FDs फॉर अ फिक्स्ड टर्म ऑफ 1, 2 and 3 years। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल रहा है, ठीक है, 6.5% पर एनएम का, और सीनियर सिटीजन को 7% का। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। और कोलैबोरेशन किसका किसके साथ हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है, जो कि मैंने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी जामतारा डिस्ट्रिक्ट झारखंड। दोस्तों जामतारा का नाम आपने नेटफ्लिक्स सीरीज में जरूर सुना होगा। जामतारा एक बहुत अच्छी सीरीज यहाँ पर निकली थी नेटफ्लिक्स पर। जामतारा एक जगह का नाम है झारखंड में, और ये कंट्री का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिली है। जामतारा इन झारखंड हैज बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। दिस डिस्ट्रिक्ट विल अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 8 lakh, हैज अ टोटल ऑफ 118 ग्राम पंचायत अंडर 6 blocks, एंड ईच पंचायत हैज वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी दैट इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 9 AM to 5 PM, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक गाँव में यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। Career counseling sessions and motivational classes are also held free of cost here. Sometimes IAS, IPS officers also visit these libraries to guide students. Everyone is welcome to visit these innovative sites. ये बहुत ही अच्छा initiative यहाँ पर लिया गया दोस्तों, ठीक है। Next चलते हैं question number 7 के ऊपर। Who has been appointed as a new chairperson for NASSCOM? NASSCOM का full form National Association of Software and Services Companies. आपके पास ऑप्शंस हैं और सामने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णन रामानुजन। तो यहाँ पर दोस्तों कृष्णन रामानुजन जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं वो एज चेयरपर्सन, राइट, किसके, NASSCOM के। और यहाँ पर वो TCS के पहले काम कर चुके, ठीक है, TCS में पहले काम कर चुके हैं, यहाँ पर ये बता दूं मैं आपको। एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर चेयरपर्सन फॉर 2022 and 2023। इन्होंने सक्सीड किया रेखा मेनन को, जो कि पहले चेयरपर्सन रह चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि महेश्वरी सक्सीड करने वाले रामानुजन को इन दिस रोल, मतलब NASSCOM also appointed the अनंत महेश्वरी प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एज वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वाइस चेयरपर्सन भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया, और अनंत महेश्वरी उनका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से उनको लेकर आया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हिच सिटी इन उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट सिटी टू वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम्स।
ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी आगरा। तो आगरा के उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सिटी बनी है दोस्तों हमारे इंडिया की जहां पर वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम है, ठीक है। आगरा स्मार्ट सिटी है और ऑफिशियल टोल्ड मीडिया फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज लिंक 240 सच हाउसेज नियर ताजमहल विद वैक्यूम बेस्ड सीवर वेयर कन्वेक्शनल सीवर सिस्टम्स कुड नॉट बी यूज्ड। इसका पूरा कनेक्शन लेने का दोस्तों और बनाने का यहाँ पर 100 करोड़ का फुल टोटल आउटले यहाँ पर पड़ा है और प्रेजेंटली दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन लो लाइंग एरियाज, राइट। वैक्यूम सीवर नेटवर्क 240 हाउसेज हैज बीन कंडक्टेड एट 5 करोड़ एंड ऑल द चेंबर्स वर इक्विप्ड एंड GIS बेस्ड सेंसर्स व्हिच कैन हेल्प एंड पिन पॉइंट द एरियाज ऑफ चेंबर एंड द प्रॉब्लम, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहेगी। सारे पॉइंट्स हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट सिप्री, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इंडियाज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द डैश हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज योर थर्ड हाइएस्ट, राइट। तो सिप्री के अकॉर्डिंग मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है हमारा इंडिया उसमें थर्ड पोजिशन पर आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है यूएस, फिर आता है चाइना, ठीक है। तो ये बात भी आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सीधा सिंपल यहाँ पर क्या याद रखना है कि इंडिया की मिलिट्री का जो खर्चा है दोस्तों वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, पहले आता है आपका यूएस, दूसरा आता है आपका चाइना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की। एलटी लार्सन एंड टर्बो हैज साइन एन अग्रीमेंट विद द डैश टू जॉइंटली परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन, किसके साथ मिलकर ऐसा उन्होंने किया है। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। तो यहाँ पर अग्रीमेंट साइन हुआ आईआईटी बॉम्बे और लार्सन एंड टर्बो के बीच में टू जॉइंट pursues research and development work in the green hydrogen value chain. Under the agreement, both the institution would contribute to the development of green hydrogen industry in India while developing technology in its field. Hydrogen, when produced through the electrolysis process using renewable energy, is known as green hydrogen, which is no carbon footprint, right? So, yahan par carbon footprint ko zero karne ke liye yahan par ye MOU साइन किया गया, एग्रीमेंट साइन किया गया LT और IIT बॉम्बे के बीच में। अब मिलकर ये लोग ये काम करेंगे कि ये एक ऐसी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके जिसमें कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल जीरो, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।